तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए इसको देख के कि ये रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और जब भी रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये आपके पास तीन चॉइस होती है, या तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का होता है, या तो वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म का होता है, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो आइदर आप इनमें से कोई एक फॉर्म मैच कर जाती है, आप सूटेबल फॉर्म मैच करने के बाद फॉर्मूला प्लेस कर देते हो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते हम ये 4x² को 2x का क्या लिख लें, होल स्क्वायर, और 2x को कुछ सब्सटीट्यूट कर दें। तो लेट 2x = t सब्सटीट्यूट कर दिया, लेट 2x = t, तो 2dx = क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। इसका मतलब जो dx है और 2 नीचे ले जाएंगे आप, dt/2 हो जाएगा। ठीक है, आप ये पूरा क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर लोगे अपने डमी वेरिएबल t में, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस t² और dt/2, dx को आप dt/2 लिख दोगे, और ये जो आपका 1/2 है ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि ये कौन सी फॉर्म है, a का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, तो a² माइनस x² की फॉर्म है, लेकिन वेरिएबल चेंज है, x की जगह पे आपका t है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला प्लेस कर रहे हैं हम, x/2 मतलब, या 1/2x, या यहाँ पे x के यहाँ पे t कहेंगे, 1/2t, फिर क्या होता है आपका प्लस अंडर रूट क्वाड्रेटिक जो भी है आपकी 1 - t² और प्लस a² / 2, ए आपका a का स्क्वायर 1 है, / 2 साइन इनवर्स t/a, a 1 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। अब ये फाइनल आंसर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका डमी वेरिएबल t है, कोई y एज्यूम कर सकता है, कोई v एज्यूम कर सकता है, u एज्यूम कर सकता है, तो आपको डमी वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 1/2 t की जगह पे हम क्या रख दें, आपके पास 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे रख दोगे आप 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो और ये 1/2 अंदर ले जाइए आप, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो अंदर जाएगा, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1/2 हो जाएगा। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।